आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि बल्ब का आविष्कार किसने किया। पहले के समय में जब बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग रोशनी के लिए दिया, मशाल और मोमबत्ती का इस्तेमाल किया करते थे। इन चीज़ों का सही इस्तेमाल ना करने के कारण कई दुर्घटनाएं भी हुआ करती थीं। लेकिन जब से बल्ब का आविष्कार हुआ है, तब से लोगों की ज़िंदगी बदल गई है। पहले रात के समय कुछ काम करना कठिन हुआ करता था, पर बल्ब के आविष्कार के बाद आज कोई भी काम आसानी से रोशनी में रात के समय में भी किया जा सकता है। आज हम रात में ट्रैवल कर पाते हैं। कोई भी खेल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी हम रात में खेल सकते हैं। आपको बता दें, बल्ब एक खोखला कांच का गोला है जो अंदर से निर्वात की तरह कार्य करता है। इस गोले में एक टंगस्टन का तंतु लगा होता है। जब इस तंतु में बिजली प्रभावित की जाती है तो वह कुछ ही पल में गर्म हो जाता है। अंदर से गर्म होने के बाद यह तंतु प्रकाश उत्पन्न करता है। बल्ब में बिजली प्रवाहित करने के लिए इसमें दो तार लगे होते हैं। गर्म होने के कारण प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को तापदीप्ति कहा जाता है, इसलिए ऐसे बल्ब को तापदीप्तीय बल्ब भी कहा जाता है। यह बल्ब 1.5 वोल्ट के होते हैं। इसके अलावा आपको बाजार में 1 वाट से लेकर 1000 वाट तक के बल्ब आसानी से मिल सकते हैं। तापदीप्तीय बल्ब बनाने में बहुत कम खर्च आता है। यह एसी और डीसी दोनों करंट से आसानी से चल सकते हैं, लेकिन तापदीप्तीय बल्ब को जलाने में बिजली ज़्यादा खर्च होती है, इसीलिए आज के समय में इनका उपयोग बहुत कम हो गया है। आज मार्केट में नए बल्ब आ चुके हैं, जैसे CFL बल्ब, LED बल्ब। यह सभी बल्ब कम बिजली खाते हैं और रोशनी भी ज़्यादा देते हैं। आइए जानते हैं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने 14 अक्टूबर 1878 में किया था। एडिसन उस समय के एक जाने माने वैज्ञानिक थे। उन्होंने कार्बन फिलामेंट लाइट बल्ब का आविष्कार किया था, जो कि बिजली के तार को जोड़ने से गर्म होकर जलने लगता था। इस आविष्कार करने में उन्हें लगभग 1.5 साल का लंबा समय लगा। जब यह बल्ब आविष्कार होने के बाद जलाया गया तो 13 घंटे तक जला। उन्होंने बल्ब का आविष्कार तो किया ही था, लेकिन इसके अलावा 1091 प्रकाश के छोटे बड़े उपकरणों का भी आविष्कार किया था, जैसे ग्रामोफोन, मोशन पिक्चर कैमरा, कार्बन टेलीफोन, ट्रांसमीटर, एल्कलाइन बैटरी और भी शामिल हैं। इन सारे यंत्रों का एडिसन के नाम पर ही पेटेंट बुक है। एडिसन ने विश्व का पहला लाइट बल्ब का पेटेंट अपने नाम कराया। इस अनोखे आविष्कार को उन्होंने लगभग 1.5 साल लगाए। काफ़ी वैज्ञानिकों ने एडिसन से पहले ही इस विषय पर काफ़ी रिसर्च और प्रयोग किए थे, इसी कारण से एडिसन को काफ़ी मदद मिली। पेटेंट अपने नाम करते वक्त उन्होंने उस पेटेंट का नाम इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स के नाम पर रखा। 1.5 साल के इस रिसर्च पर कई धातुओं का उपयोग किया, जैसे कार्बन, प्लेटिनम का इस्तेमाल किया, लेकिन प्लेटिनम धातु के उपयोग से बल्ब की रोशनी 12 घंटों तक ही सीमित रह पाती थी। लेकिन प्लेटिनम बल्ब का उपयोग काफ़ी महंगा भी होता था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि थॉमस अल्वा एडिसन के अलावा भी कई लोगों ने बल्ब बनाने की कोशिश की थी, परंतु वह असफल रहे थे। आइए जानते हैं इन लोगों के बारे में। बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। इस आविष्कार पर उन्होंने 1878 में काम शुरू किया था। थॉमस अल्वा एडिसन से पहले भी वैज्ञानिक लाइट बल्ब की खोज में लगे हुए थे। उनमें से एक वैज्ञानिक का नाम था हम्फ्री डेवी, जिन्होंने 1802 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार किया था। हम्फ्री डेवी ने बिजली के साथ प्रयोग करके एक बैटरी बनाई थी। जब उन्होंने तार को बैटरी से जोड़ा, साथ में कार्बन लगाया, तो कार्बन रोशनी देने लगा। इस तरह सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार हुआ था। उनके इस आविष्कार को इलेक्ट्रिक ARC लैंप का नाम भी दिया गया। लेकिन इस आविष्कार में दिक्कत यह थी कि यह रोशनी ज़्यादा देर तक नहीं दे पाता था।